सो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर। जी हाँ गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर। हम लोग हजारीबाग से रांची ट्रेवल करके आए आप लोग के इस मंदिर को दिखाने के लिए। आप लोग ये जो पहाड़ी मंदिर देख रहे गाइस, ये 1-2 वर्ष या 5-10 वर्ष पुराना नहीं है, ये ब्रिटिश काल अंग्रेजों के जमाना का मंदिर है। जी हाँ, ये अंग्रेजों का जमाना का मंदिर है। यहाँ पे अंग्रेज लोग भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को ना फांसी दिया करते थे, ठीक है। तो वो उस जमाने से चलते आ रहा है जो अभी तक है। बाद में समय और हालात के परिवर्तन होते होते यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण कर दिया गया, जो सावन में काफी ज्यादा भीड़ होते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो आप लोग भी आइए, घूमिए। लोकेशन का टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, यहाँ का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग ये जो मंदिर देख रहे हैं, भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे ना झंडा फहराया जाता है। ऐसा ये फर्स्ट शिव मंदिर है जो स्वतंत्रता दिवस पे झंडा फहराया जाता है। जी हाँ गाइस, तो आइए आप लोग को हम लोग अंदर लेके चलते और दिखाते कितना रोचक है, कितना मनमोहक है, इसी कुछ इतिहास बताते हैं आखिर यहाँ पे क्यों झंडा फहराया जाता है, क्यों यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी लोग को फांसी दिया जाता था। तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए अंदर की ओर चलते हैं। जल पान करना या हाथ पैर धोना हो आप लोग यहाँ पैसे आ सकते हैं और धो सकते हैं गाइस। इसके साथ ही आप लोग एक राइट साइड एक मंदिर देखने को मिलेगा और एक लेफ्ट साइड शिव मंदिर देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे आके लोग पूजा करते हैं और हम लोग जहाँ जहाँ भी मंदिर जाते हैं ना वहाँ पे सीढ़ी बना होता है, उसे खुद से काउंट करना होता है। बट यहाँ पे ना सब में लिखा हुआ है कि कितना सीढ़ियाँ हैं, क्या है नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ना, नीचे तो ये जो टाइल्स लगा हुआ है, ऊपर में भी करकट लगाया हुआ है जिसके कारण पूरा छायादार होता है, गर्मी के दिन में ना सीढ़ी गर्म नहीं हो पाता है। यहाँ का एक चीज कॉमन है जो सबसे ज्यादा है कि आप लोग को हर जगह दार्शनिक स्थल मिल जाएगा, फोटो बैनर लगा हुआ मिल जाएगा और फोटो निकालने वाले मिल जाएंगे जो 5 मिनट में फोटो निकाल के देते हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं जो कैमरा लिए रहते हैं और 5 मिनट में फोटो निकाल के दे देते हैं। यहाँ पे भैया रहते हैं जो 5 मिनट में फोटो निकाल के देते हैं। तो है 5 मिनट नहीं, 2 मिनट में देते हैं, 2 मिनट में निकाल देते। प्राइस कितना रहता है? प्राइस बता देंगे, 40 का है प्राइस, 20 का है और 80 का है। तो गाइज आप लोग जब यहाँ पे 196 सीढ़ियाँ चढ़ जाइएगा तो आप लोग को दो रास्ता देखने को मिलेगा। एक ये रास्ता जो मेन मंदिर को ले जाएगा और दूसरा ये रास्ता भी है जो ये भी मेन मंदिर ले जाएगा। लेकिन दोनों रास्ते अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि सावन के महीने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, जिसके कारण ये दूसरा मंदिर भी खोला जाता है ताकि लोग एक राइड से जाते हैं और दूसरे साइड से आते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ होता है गाइज, आप लोग भी आइए और पूरा फील कीजिए। तो फाइनली हम लोग काफ़ी मुसीबत मशक्कत के बाद हम लोग ऊपर आ चुके हैं, बट मेन मंदिर जाने का कोई चांस नहीं बन रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो आइए आप लोग यहाँ के बाबा से बताते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पैसा क्या रहता है, क्यों इतना भीड़ होता है, ये मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग एक बाबा से मिलते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का हमारा जो यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ के बारे में कुछ बताइए, कैसा क्या रहस्य है, क्यों यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ होता है, लोगों की यहाँ पे मनोकामना इतना ज्यादा क्या है कि लोग आते हैं दूर दूर से भक्तगण। ठीक है, सबसे पहला बात, ये पहाड़ी मंदिर का मेन जो देश आजाद जब हुआ था तो पहला राष्ट्रीय ध्वज इसी मंदिर में फहराया गया था 1947 में। दूसरी बात क्या है, अंग्रेजों के जमाने में इसमें जो ऑनफियल जो फांसी हुआ करता था वो इसी जगह पर दिया था। देखिये फांसी का ही जगह है, जो फांसी का कुआं है यही है, यहाँ पर फांसी दिया जाता था जो स्वतंत्रता जो हुआ करते थे अंग्रेजों को, इसलिए इसको फांसी कुल्टी बोला जाता था पहले इस जगह को, फांसी कुल्टी इसको पहले बोला जाता था। तो बाद में इसको डेवलप किया गया, यहाँ का जो महाराजा थे इस जगह को, ये पूरी पहाड़ी को धर्म स्थल के लिए डोनेट किए। तो उसके बाद से पहाड़ी मंदिर यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ और हम लोग 365 दिन सुबह 427 सीढ़ी चढ़ करके हम लोग ऊपर में आते हैं बाबा का जलापन करने के लिए। और बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये, अगर
ये तो मेरे लोग मान्यता है कि जो पहाड़ी बाबा पर आते हैं, यहाँ पर जो आते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, ये मान्यताएं हैं यहाँ पर। जो वैसे जो मतलब जो ऐसे बीमारी से जो ग्रस्त हैं, जो यहाँ पर आते हैं, लोगों का ये कहना है कि वैसे जितने भी जो भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं उनसे उनको मुक्ति मिलती है यहाँ के, और ऐसा दो चार देखा भी गया, तो लोग इस पर विश्वास है ये इस चीज का। और यहाँ पर आज जो हम लोग जो भीड़ देख रहे हैं, हम लोग का यहाँ पर हम लोगों का अपना एक मंडल है, श्री मंडल है, जिसका वार्षिकोत्सव आज हो रहा है, जहाँ पर महारुद्राभिषेक हो रहा है। और हमारे देखिए सीनियर मेंबर हैं ये, यहाँ के मैंने सब लोग हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और अभी जब ये एक बजे तक चलेगा, ये शाम भाई शाम 5 बजे तक सारा प्रोग्राम चलेगा इस बस यही। और यहाँ पे आप अपना सेवा कब से दे रहे हैं, लगभग कितने वर्षों से दे रहे हैं? देखिए हमारा संगठन 35 साल पुराना है, मेरा आते हुए 5 साल हो गया, 2017 से हम यहाँ आ रहे हैं, हम लोग यहाँ के मेंबर हो मेंबर है। और यहाँ पर भक्त लोग स्वयं आते हैं, स्वयं पूजा करके जाते हैं, यहाँ पर पुराजी का वैसा कोई हस्तक्षेप नहीं है, पुजारी का यहाँ पर जो काम सीमित है वो करते हैं, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे कोई अनाप शनाप यहाँ पर पैसा मांगे, जो भी देना है रसीद कटा कर आप रसीद दीजिए, जो भी देना है बॉक्स के अंदर डालिए, यहाँ कोई नहीं किसी तरह कोई जवाब नहीं लिया, किसी तरह का नहीं लिया। और काफी ज्यादा शांति लगता है ऊपर आने के बाद, ठीक है, नीचे 400 फुट जमीन से बहुत ऊंचे ऊंचाई पर है, तो मौसम भी यहाँ पर ठीक है, आबो हवा भी ठीक है, इसलिए हर एक तरफ से अच्छी है। धन्यवाद बाबा।